हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये देखिए जी, मेरे पास एक पार्क है, उसमें ये करौंदे लगे हैं। कल बच्चों ने सारे करौंदे तोड़ लिए, बहुत सारे करौंदे लगे थे, सारे करौंदे ले गए ये तोड़ कर। तो ये थोड़े बचे हुए करौंदे मैं तोड़ लूँ, वरना ये भी ले जाएंगे। ये देखो कितने मोटे मोटे, बारिश के दिनों में 20-25 रुपए पाव आते हैं ये। और हरी मिर्ची डालकर या इनको छोंक सकती है, अदरवाइज इनका जैम भी बन जाता है, जैम। ये देखो कितने सारे करौंदे लगे पड़े हैं। अभी मैं बास्केट लेकर आती हूँ, उसमें डालूंगी। इधर की तरफ ज़्यादा है, ये देखो ये ज़्यादा लगे हुए हैं। ये 3-4 साल में पेड़ जो है फल दे देता है, 3-4 साल में। अभी ये छोटे छोटे हैं, बारिश पड़ेगी तो बड़े बड़े हो जाएंगे। ये देखो जी, और हरा चौलाई का साग लगा हुआ है। ये चौलाई है, इसको आप पालक के साथ साग बना सकते हैं, या फिर आप इसको दाल में डाल के भी बना सकते हैं। ये चौलाई का साग, इसमें डाल के तोड़ूंगी मैं। ये देखो जी, ये पॉलीथिन पाई हाथ में, कोई काटा ना चुभ जाए। पॉलीथिन डाल लो और ये तोड़ो करौंदे। ये फूल से करौंदा बनता है, जो फूल लगे हुए हैं ना, इनसे करौंदा बनेगा। क्या मस्त करौंदे हैं। मैं पानी देते देते थक जाती हूँ और लोग वक्त तोड़ कर ले जाते हैं। वाह, लुक एट दिस लवली करौंदा, क्या बात है। चिड़िया बोल रही है, एक बार की छोकने लायक हो जाएंगे। बाकी जो मर्जी तोड़े, जो मर्जी खाए। मजा आ जाता बच्चों को तोड़ तोड़ के। कल खूब तोड़ गए थे, हम भी बचपन में अनार अमरूद सारा दिन यही काम रहता था स्टेशन पे। अमरूद खा लो, जामुन खा लो, बेर खा लो। ये देखो कितने मस्त लग रहे। कांटे न चल जाए। और ये चौलाई का साग है, ये चौलाई का साग है। ये देखो इसको भी आज दाल में डाल के यदि भी भाजी बनानी है। ये कच्चा कच्चा चौलाई का साग, ये देखो जी, बारिश के दिनों में अपने आप ही लग जाता है ये चौलाई का साग। जब भी बारिश आती है, कांटे बहुत होते हैं इसमें, मजा आ जाता है। जितना अचार खाने में मजा आता है, उससे ज़्यादा कांटे चुभ जाते हैं। और ये मेहंदी का पेड़ है, रचनी मेहंदी, ये भी मैंने लगाया था। सारे तोड़ के ले गए हैं कल बच्चे। ये देखो जी, इधर से तो सारे झाड़ लिए, परली तरफ लगाओ बरका था।
ये चौलाई, चौलाई का साग बनाओ कबाड़े वाले। ये अरंड का पत्ता है, अरंड का पत्ता, इसको तेल लगाकर तवे पे गरम करके और घुटने की सिकाई कर सकते हैं आप। ये सभी आयुर्वेदिक पौधे हैं। ये सहजन का पेड़, क्या बात है, क्या बात है। और ये चुलाई का पौधा, इसको तो ऐसे ही तोड़ लेते हैं, चुलाई को तो कच्ची कच्ची चुलाई है। देखो जी, आ जाओ, मस्त साग बनाती हूँ आज। क्या बात है, क्या बात है। पत्ते पत्ते ज्यादा, पत्तों का साग अच्छा बनता है इनका। हाँ, सुबह सुबह पार्क नहीं गई, सोचा यही काम करती हूँ आज। क्या बात है, देखो चुलाई। जब शुरू शुरू में हम दिल्ली गए तो बाजार में मिलने बिकने के लिए आती थी, बड़ा ताजुब हुआ कि जिसको हम गाय भैंसों को डालते थे तोड़ के, वो बाजार में भी बिक रही। मच्छर बहुत हैं भाई, क्या बात है। हेलो जी, चुलाई भी टूट गई। हा, कबाड़े वाले।